Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Welcome to another episode of Kashi's Topic. So, एक न्यू सीरीज मैंने शुरू करी है. जस्ट इन केस ये वीडियो आप देख रहे हो, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज अभी रिसेंटली नहीं देखी, मैं आपको बता देती हूँ. कशीज टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स की एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में या एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे. सो एपिसोड वन में मैंने फीचर किए थे माई फेवरेट ब्लशेज फ्रॉम पाउडर, लिक्विड, वाटर बेस्ड, टिंट. मैंने उसके अंदर सारे टॉप 5 या 6 आपको फीचर किए थे जो मुझे पर्सनली काफी पसंद है. एपिसोड 2 में मैंने बात करी थी मेरे टॉप फेवरेट बायोडर्मा पिक्स. उसके अंदर मैंने सारे मेरे फेवरेट जो बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स हैं, स्पेसिफिकली फॉर ऑयली एक्ने प्रोन्स के नाम बोल सकते हो, जो मेरी डर्मैट ने भी अप्रूव करे हुए, मैंने वो प्रोडक्ट्स फीचर किए थे. एंड दिस इज एपिसोड नंबर 3 जिसमें मैं बात करने वाली हूँ टॉप 5 फेवरेट फेस वॉशेज विच आर स्पेसिफिकली फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. सो अगर आपकी भी एक्ने प्रोन स्किन है या फिर आपको थोड़े बहुत पिंपल्स आते रहते हैं, आप टीनेजर हो, आपको बहुत ज्यादा एक्ने इशूज है, हार्मोनल इशूज की वजह से एक्ने होते हैं, तो हमारी जैसी स्किन टाइप होते हैं, लाइक मुझे भी एक्ने का इशू है, हमें स्पेसिफिकली एक्ने प्रोन वाले फेस वॉशेज यूज करने चाहिए ताकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से हमारे एक्ने के साथ भी फाइट करें और हमारी स्किन को भी क्लेंस करें. पूरा जो मैं सीरीज कर रही हूँ ना कशीज टॉपिक, मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगी, आप वो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. उसमें मैं बहुत सारी वीडियोज अपलोड करने वाली हूँ फ्यूचर में भी, तो ताकि अगर आपको सेल के टाइम या फिर कुछ परचेज करना, आपको किसी भी चीज की रिकमेंडेशन चाहिए, आपको लिमिटेड ऑप्शन जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो उस वीडियो में देखने को मिल जाए. सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1 फेस वॉश इज फ्रॉम अ ब्रांड जिनके साथ मैं रेगुलरली वर्क भी करती हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं पर्सनली खुद इनके प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज की स्पॉन्सर्ड होते हैं फिर कुछ भी है. ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ. दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद Amazon, नीचे Amazon के लिंक है, लेकिन ये वीडियो किसी भी और किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं करी, तो सारे नॉन स्पॉन्सर्ड रिकमेंडेशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे. सो नंबर 1 फेस वॉश जो मैं आजकल यूज भी कर रही हूँ, इससे सबसे पहले यही फीचर कर रही हूँ बिकॉज बाकी सारे थोड़े खत्म हो गए हैं. आजकल यही मेरा चल रहा है फेस वॉश एंड आई एम लविंग इट. दिस इज द डर्माको सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये मैंने अपनी आई थिंक अभी थाईलैंड के किसी ब्लॉग में इंटीग्रेट भी किया था, वो ब्रांड कोलैब में था, बट ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है. ये मैंने उस टाइम रख दिया था, मैं ट्रिप पे लेके गई थी, मैंने इसको ट्रिप पे यूज किया, फिर घर आके मेरे वॉशरूम में इतने सारे फेस वॉशेस थे ना, मतलब इसको पहले साइड रखते हैं. मानसून में इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, इतनी ज्यादा चिपचिप स्किन, इतनी गंकी गंकी रहती है, ऐसा लगता है एक अच्छा इंटेंस फेस वॉश चाहिए तभी स्किन क्लेंस होगी. तो मैंने अब इसको रिसेंटली दोबारा निकाल दिया एंड आई एम यूजिंग इट. लव दिस वन. इसकी सबसे बेस्ट बात यही कि इसमें फोम बहुत अच्छा बनता है. अगर आपको पसंद है फेस वॉशेस जिसमें बहुत अच्छा फोम बनता है, स्किन अच्छे से क्लेंस हो जाती है, मतलब आपका पूरा ऑयल निकल जाता है स्किन का. इसका यही एक कॉन है कि इसको यूज करने के बाद स्किन हल्की हल्की ड्राई फील होती है. अगर आप अच्छे से मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे तो ऐसे सूखी सूखी फील होगी बिकॉज ये अच्छे से आपकी एकदम स्किन को ऐसा ऑयल पूरा निकाल ही देता है. सो ये नरिशमेंट वाला फेस वॉश नहीं है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर वेरी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन. एक्ने प्रोन क्यों? बिकॉज इसके अंदर है 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 2% नियासिनामाइड. दोनों ही इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए. एंड या इट इज सल्फेट, पैराबिन फ्री, डाई, मिनरल ऑयल फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री भी है. डर्माको के अब सारे प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री भी हो चुके हैं. बहुत अच्छा इसका जेल बेस्ड टेक्सचर है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ. सो दिस इज द टेक्सचर ऑफ दिस फेस वॉश, एकदम क्लियर जेल बेस्ड टेक्सचर है, थोड़ा सा निकल गया बट चलो कोई नहीं. बहुत अच्छे से फोम होता है, स्किन को क्लेंस भी अच्छे से कर देता है एंड फॉर द प्राइस पॉइंट आई थिंक इट इज अ गुड डील. नेक्स्ट फेस वॉश इज समथिंग जो मैंने रैंडमली यूज कर लिया था बिकॉज उस टाइम मेरे कोई भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के फेस वॉश नहीं बचे थे और फिर मुझे लगा पहले चेक करती हूँ. मेरा एक पूरा पीआर का बॉक्स है जिसमें जो भी मेरे पास ब्रांड के पीआर आते हैं मैं रख लेती हूँ, जब मुझे लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे यूज करना है, मुझे ट्राई करना चाहिए, मैं उसमें से निकालती हूँ. सो मैंने उस टाइम ये निकाल लिया एंड आई हैड जीरो एक्सपेक्टेशन कि ये अच्छा वर्क करेगा नहीं करेगा बिकॉज ये ब्रांड उस टाइम बहुत नहीं थी. दिस इज द केमिस्ट एट प्ले, 2% सैलिसिलिक एसिड, एजिलिक एसिड एंड सीका. सो इसमें खाली सैलिसिलिक एसिड नहीं है, इसमें एजिलिक एसिड एंड सीका भी है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, आप हालत से देख सकते हो. पूरा मैंने इसे निचोड़ दिया है, अब इसमें बहुत कम बचा. मैं लिटरली इसको स्क्वीज आउट कर रही हूँ ताकि मैं इसको अपनी एमटीज की वीडियो में आपको दिखा पाऊँ. एंड दिस इज फॉर ऑयल एंड एक्ने कंट्रोल. सो ये भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए स्पेसिफिकली बना है. वेरी वेरी नाइस फेस वॉश. ये एक ऐसा फेस वॉश है जो स्किन को क्लेंस भी करता है लेकिन सुखाता नहीं है. सो अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, आप चाहते हो अच्छे से आपका पूरा ऑयल निकल जाए, एकदम आपकी स्किन मैट हो जाए, तो आप डर्मा को यूज कर सकते हो. लेकिन आप चाहते हो आपकी थोड़ी थोड़ी ऑयलीनेस निकल जाए, एक्ने भी कंट्रोल हो लेकिन आपकी स्किन इतनी ज्यादा सूखी सूखी फील ना हो, तो आप ये केमिस्ट एट प्ले का फेस वॉश यूज कर सकते हो. आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज इसके अंदर सीका है और सेरामाइड्स हैं, दोनों इंग्रेडिएंट्स काफी अच्छे से नरिशमेंट भी देते हैं, तो आपकी स्किन को थोड़ा सा काम डाउन भी करेंगे. अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने है या फिर किसी किसी को एक्ने होता है लेकिन रेडनेस बहुत ज्यादा रहती है, लाइक ऐसे
रेड 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 स्किन रहती है, बिकॉज बाकी आप फेस वॉशेज यूज करोगे वो रेडनेस आपको दे रहे हैं, आपकी स्किन पे इरिटेशन फील हो रही है। इसके साथ ऐसा नहीं होगा, ये स्किन को क्लेंस भी करता है लेकिन वो रेडनेस और जो भी इचिनेस है उसको कंट्रोल करके रखता है। सो फॉर द प्राइस पॉइंट आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस फेस वॉश। टेक्स्चर की जहां तक बात की जाती है अब तो मुझे इसको निचोड़ना ही पड़ेगा, बट इसका भी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ही टेक्स्चर है लेकिन हल्का सा एक रेडिश कलर में, यू कैन सी द कलर। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ, आई रियली लव शोइंग ईच प्रोडक्ट प्रॉपरली ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। सो आप ये देख सकते हो इसका टेक्स्चर कुछ इस तरह से, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स भी हैं जो ऐसे वो स्क्रब वाले पार्टिकल नहीं है, लाइक दीज आर नॉट दो स्क्रबी पार्टिकल, सो टेंशन मत लो ये स्क्रब नहीं करता। इट्स जस्ट दैट कुछ रेड रेड कलर के ग्रैन्यूल्स है जो एकदम मेल्ट हो जाते हैं स्किन में, एंड फोम भी डिसेंट बनता है, ओवर फोम नहीं बनता और स्किन आपकी अच्छे से क्लेंस हो जाती है। सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। नेक्स्ट फेस वॉश मैं अपने एम्प्टीज के बॉक्स में से निकाल के लाई हूँ बिकॉज ये पूरा एम्प्टी हो गया था, और फ्यूचर में मेरी एक एम्प्टीज वीडियो भी आने वाली है तो मैं काफी सारे प्रोडक्ट्स कलेक्ट कर रही हूँ जो जो खत्म हो गए हैं। सो ये डॉक्टर शेड्स का नीम एंड सैल्सिलिक एसिड फेस वॉश, अगेन मेड स्पेसिफिकली फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। सो इसके अंदर खाली सैल्सिलिक एसिड नहीं है, इसमें 1% सैल्सिलिक एसिड है, नीम एक्सट्रैक्ट है, तुलसी एक्सट्रैक्ट है। सो इट्स मोर लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हमारे नीम तुलसी होती है, एंड देन इट हैज अ केमिकल एक्सफोलिएंट सैल्सिलिक एसिड, तो दोनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये डीपली क्लेंस करता है, एक्सफोलिएट करता है, अगेन प्रिवेंट करता है एक्ने को, अच्छा जेंटल फेस वॉश है, स्किन क्लेंस भी हो जाती है अच्छे से, जो भी ऑयलीनेस है गम के वो निकल जाता है। द ओनली थिंग इज आपको पहले पैच टेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज मैंने अपने कॉमेंट्स में देखा है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ बट काफी लड़कियां मुझे कहती हैं कि हमने नीम बेस्ड कुछ लगाया और हमें रेडनेस हो गई या फिर कुछ ऐसे एलर्जी टाइप हो गई। सो आपको पहले देखना पड़ेगा कि नीम आपको सूट करता नहीं करता। अगर आपने पास्ट में नीम वाले प्रोडक्ट्स यूज करे हुए हैं, जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में हिमालय का नीम फेस वॉश यूज करती थी, मुझे उस टाइम बहुत सूट करता था, मतलब 2013-14 की बात है जब आई थिंक इतना ब्यूटी वर्ल्ड इतना नहीं था, बहुत लिमिटेड ब्रांड्स होती थी, हम केमिस्ट पर जाते थे, हमें सामने हिमालय की ट्यूब दिखती थी, हम लेके आ जाते थे। बट अब इतनी ज्यादा वैरायटी आ गई है कि हम भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्लस अब हम खाली नीम पे रिलाई नहीं करते, हम ऐसे केमिकल एक्सफोलिएंट्स भी यूज करते हैं लाइक सैल्सिलिक एसिड एंड ऑल। तो अगर आपको नीम सूट करता है डेफिनेटली गो फॉर इट, बहुत अच्छा फेस वॉश है, एकदम ट्रांसपेरेंट इसका जेल टेक्सचर है। एम्प्टी हो चुका है, थोड़ा कोशिश करती हूँ हल्का फुल्का निकल जाए, ये तो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट आई थिंक आपको दिखेगा भी नहीं। इसमें फोम डिसेंट बनता है, बहुत हाईली फोमिंग वाला फेस वॉश नहीं है, आई थिंक इनका एक फोमिंग फेस वॉश भी आता है, या मैंने कैंपेन भी किया था इनका पेड कोलैबोरेशन में, मैंने उसमें कंपेयर करके दिखाया था इनका एक जेल बेस्ड फेस वॉश वर्सेज अ फोमिंग फेस वॉश। तो अगर आपको फोमिंग वाले प्रोडक्ट्स पसंद है ना, सेम प्रोडक्ट आपको एक फोम वाली ट्यूब में मिलता है, उस ट्यूब में जब आप पंप करोगे, बॉटल है बेसिकली, पंप करोगे तो फोम निकलेगा, उसका भी लिंक अगर पॉसिबल होगा मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अमेजोन पे वो भी अवेलेबल है। सो या अगर आपको फोमिंग वाले प्रोडक्ट्स पसंद है आप वो यूज कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज डेफिनेटली। नेक्स्ट फेस वॉश इज फ्रॉम प्लम्स ग्रीन टी रेंज, प्लम की एक स्पेसिफिकली पूरी एक ग्रीन टी रेंज आती है जो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बनी है, तो ये उसी रेंज का फेस वॉश है। दिस इज द प्लम ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये भी पिंपल कंट्रोल करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, एंड दिस वन हैज ग्लाइकोलिक एसिड। अब तक मैंने आपको जितने फेस वॉश दिखाए उसमें हीरो इंग्रीडियंट सैल्सिलिक एसिड है, लेकिन इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड भी है, तो ये जो सर्फेस पे डेड स्किन सेल्स होते हैं ना उसको भी अच्छे से रिमूव करता है, एक्ने मार्क्स को भी डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा फेड करने में हेल्प करेगा। दो मैं मार्क्स के लिए फेस वॉशेज नहीं इतना हीरो प्रोडक्ट बोलूंगी बिकॉज मार्क्स के लिए आपको एक अच्छा सीरम, आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर, कुछ ट्रीटमेंट बेस्ड यूज करना होता है, बट डेफिनेटली ऊपर की जो गंक होती है ना डेड स्किन, वो ग्लाइकोलिक एसिड बहुत अच्छे से निकालता है। सो इट हैज ग्रीन टी एंटी ऑक्सीडेंट है, देन ग्लाइकोलिक एसिड है, जेंटल क्लेंजिंग सिस्टम है इसका। ये पूरी पैकेजिंग चेंज हो चुकी है, मैंने पुराना वाला यूज किया हुआ है, पहले एक ओल्डर पैकेजिंग में आता था जो एक सॉर्ट ऑफ ऐसी ट्यूब आती थी, अभी मैं थोड़ी सी फ्लैट पैकेजिंग दे दी, दिस इज अ कंप्लीट न्यू बॉटल, बट मैंने ये पर्सनली टेस्ट करके देखा है, मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ। इसमें भी आई थिंक छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के, अगेन नॉट अ स्क्रबी पार्टिकल, वो मेल्ट डाउन हो जाते हैं आपकी स्किन में। सो अगर आपको प्लम के प्रोडक्ट सूट करते हैं, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस ग्रीन टी रेंज। अगर आप टीनेजर हो ना, आपको एक बेसिक फेस वॉश चाहिए जो आपके ऑयल को भी कंट्रोल करे, एक्ने को कंट्रोल करे, तो डेफिनेटली आप ये यूज कर सकते हो। फाइनली कमिंग टू द बिगेस्ट फेस वॉश दैट आई ओन, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि बॉडी वॉश रखा हुआ है लेकिन ये फेस वॉश है। सेरावी में आप जितने बड़े प्रोडक्ट्स लोगे ना उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा बिकॉज छोटे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में जो बड़े प्रोडक्ट का एमआरपी वर्सेस क्वांटिटी है ना वो एकदम परफेक्ट है, इसलिए मैंने ये बड़ा वाला लिया हुआ है। ये फेस और बॉडी दोनों के लिए, तो अगर आपको बॉडी पे भी थोड़ा बहुत एक्ने है, रैशेस वगैरह रहते हैं, तो आप इसको अपनी बॉडी पे भी यूज कर सकते हो एज अ बॉडी वॉश। यह सेरावी का फोमिंग फेशियल क्लेंजर फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। सो ये नहीं कहता कि ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बना है, दिस वन इज स्पेसिफिकली
फॉर ऑयली स्किन. तो अगर आपको थोड़े बहुत एक्ने रहते हैं या फिर कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं आते, लाइक मेरे साथ ऐसा होता है जब मुझे लगता है एक्ने इतने नहीं है तो मैं अननेसेसरी एक्ने वाले फेस वॉशेज नहीं यूज करती. आई जस्ट कीप देम असाइड और मैं ये वाला फेस वॉश यूज कर लेती हूँ जो जेंटली मेरी स्किन को क्लेंस कर देता है, एंड दैट्स इट. अभी मैंने एक स्किन ट्रीटमेंट कराई थी लास्ट वीक, तो मेरी डर्मेट ने कहा 2 या 3 दिन खाली यही सेरावी वाला यूज करो बिकॉज ये जेंटल है, स्किन को आपको क्लेंस भी कर देगा बट एट द सेम टाइम रेडनेस नहीं लेके आएगा या फिर ऐसे हार्श नहीं फील होगा. ये क्लेंस करता है, रिमूव करता है ऑयल विदाउट डिस्ट्रप्टिंग द प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर. तो अगर आपका भी स्किन बैरियर हिल गया है, काफी बार स्किन बर्न हो जाती है, आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज कर लिया, रिएक्शन हो गया, रेडनेस बहुत ज्यादा है, किसी तरह की एलर्जी हो गई, तो उस टाइम पे आप ये सारे जो मैंने अभी आपको फेस वॉश दिखाए हैं वो साइड पर रखो बिकॉज उनके अंदर सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब चीजें. आप एक ऐसा फेस वॉश यूज करो जो जेंटल है, जो आपकी स्किन के लिए भी सूदिंग है. इसके अंदर 3 एसेंशियल सेरामाइड है, नियासिनमाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, ऑयल को भी कंट्रोल करता है, लेकिन ये स्किन को सुखाता नहीं है. इसका बहुत अच्छा फोमिंग एक्शन है, ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, इसके अंदर नियासिनमाइड है, दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री एज वेल. अच्छी बड़ी बॉटल है, आपको अमेजोन की डील पर काफी अच्छे प्राइस में मिल जाएगी, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. मेरे टॉप 5 पिक्स इन द ऑयली एक्ने प्रोन स्किन कैटेगरी फेस वॉशेस. इसके अलावा और भी फेस वॉशेस है मेरे पास, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, आपको बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं दूंगी. ये सारे प्रोडक्ट्स जिनकी मैंने बात करी है सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक कर लेना. और मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कशी टॉप पिक्स सीरीज में आपको और क्या क्या देखना है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर किस पर्टिकुलर रेंज या फिर ब्रांड की मैं बात करूं. इस सीरीज में दोनों इंक्लूड करूंगी, एक पर्टिकुलर ब्रांड की भी रिकमेंडेशन दूंगी और एक पर्टिकुलर कैटेगरी की भी रिकमेंडेशन दूंगी. तो अगर आप किसी पे भी चाहते हो कि मैं रिकमेंडेशन वीडियो बनाऊं, मैं अपने टॉप 5 पिक्स आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगी. एंड या दैट इज टुडेज वीडियो. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर. इंस्टाग्राम पर स्टोरीज पोस्ट के थ्रू मैं बहुत सारे रिव्यूज करती हूँ, सेल डील्स जो भी आती है मैं वो सब वहां पर शेयर करती हूँ, सो मेक श्योर फॉलो मी देयर एज वेल. मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर डाल दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो. एंड या दैट इज टुडेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.